अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। भाई मैं वही हूँ जो कल आप लोगों को पढ़ा रहा था। ये देखो नया लुक अच्छा लग रहा होगा, यकीन है मुझे पता है। थैंक यू थैंक यू। बैठे रहे बैठे रहे, थैंक यू सो मच। भाई देखो बात यह है कि मैं क्या बता रहा था, मेरे जहन से कुछ निकल गया। चलो वीडियो है, आपस में बातचीत कर लेते हैं, और कोई रास्ता तो है नहीं हमारे पास बात करने का। आप लोगों को ये शिकायत हो रही होगी यकीन तौर पर, सर आप वीडियो बहुत लेट अपलोड करते हैं, सर आपकी वीडियो बहुत देर से आती है। भाई ये जो वीडियो है ना, जो आप 10 मिनट 15 मिनट की देखोगे, इसको बनाने में मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है यार, ख्वारी। और उसके बाद अपलोड करने के अलग, पहले मटेरियल के नाम है सामने लिखो बोर्ड पे सारा साफ सुथरा, उसके बाद अपलोड करने के लिए वीडियो देखो तो कभी कभार बनते बनते बीच में से गायब हो जाती है। मतलब मोबाइल अच्छा वाला है लेकिन कभी कभार के नाम है वो बंद हो जाती है कोई कॉल आने की वजह से, तो दोबारा बनाने पड़ती है, फिर अपलोड करने की ख्वारी अलग वगैरह। चलो बहरहाल अब हम बात कर रहे हैं, हमारा एक आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है ना, एक टॉपिक है चैप्टर 7 का, वो टेक्स्ट बुक के अंदर है ही नहीं, सिरे से नहीं है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक के आखिर में एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। और यही टॉपिक आपके बोर्ड्स के पेपर के अंदर भी आता है, बोर्ड्स के पेपर के अंदर पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश करें, फर्क करें कि आपको दो कंपाउंड गिवेन होंगे, आपको बोला जाएगा कि इनके अंदर डिस्टिंग्विश करें बाय अ सिंपल केमिकल टेस्ट, कि इन दोनों कंपाउंड्स को एक सिंपल केमिकल टेस्ट से आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है और वो कौन सा कंपाउंड है वगैरह, आप कैसे पहचानोगे। मैं हम देखना देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन, बहुत आसान है। भाई देखो अगर मैं बोलूं कि आगे, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं पेपर के अंदर, तो अपने पास लिख लेना सारा। अब आपके पास मान लो अल्केन है और अल्कीन है, अल्केन का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन वगैरह कुछ भी दे दिया जा सकता है। और ऐसे ही अल्कीन का भी वही कंपाउंड ईन के फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे यहां पे इथेन दिया है तो यहाँ पे इथीन दे देंगे, यहाँ पे प्रोपेन दिया है तो यहाँ पे प्रोपीन दे देंगे, यानी यहाँ पे ब्यूटेन दिया तो यहाँ पे ब्यूटीन। तो फर्क कैसे करोगे इनके दरमियान में, एक अल्केन है एक अल्कीन है, आप कैसे फर्क करोगे इनके दरमियान में। तो आपका जवाब हो सकता है सर हमें पता है, सर हम जानते हैं अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड और अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड। सर इतनी सी बात थी, आपने फालतू में इतनी लंबी कर दी। तो भाई ये फालतू बात है आप अपने पास ही रखो, हमें पता है कि अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड, ये फारिक बात है हमने नहीं करनी। अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं, मतलब दो कंपाउंड दे दूं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों देखने में एक जैसे लग रहा है, एक अल्केन है उसमें से एक अल्कीन है, कैसे पहचानोगे? बॉन्ड गिनोगे उसके, ये बॉन्ड है इसके अंदर, ये देखो ये बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, ये देखो ये बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड गिनोगे क्या? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जब आपके पास दो चीज आएंगी तो आप उसके बॉन्ड्स नहीं गिरोगे, बल्कि आप उसको उसके छोटे छोटे सैंपल्स को किसी चीज के साथ में रिएक्ट करवाओगे। अल्केन्स को और अल्कीन्स को अगर पहचानना है तो आप अल्केन्स को रिएक्ट करवाओगे ब्रोमीन वाटर के साथ में, और अल्कीन्स को पहचानना है तो आप अल्कीन्स को भी रिएक्ट करवाओगे ब्रोमीन वाटर के साथ में। अब होता क्या है, अल्केन जो होते हैं ना, अल्केन वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब अल्केन हाईली रिएक्टिव अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स वो बहुत ज्यादा हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। अब जब अल्केन्स बहुत ज्यादा हाईली अनरिएक्टिव होते हैं तो वो ब्रोमीन वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। जब रिएक्शन नहीं करते तो कोई पीपीटी भी नहीं निकलते हैं, कोई बबल्स भी नहीं निकलते। इसी तरह से जब अल्कीन्स की बात की जाती है तो अल्कीन्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन। अब जब अल्कीन को यानी इथीन प्रोपीन ब्यूटीन को जब रिएक्ट करवाया जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो वो उसको डीकलराइज कर देते हैं, यानी उसका कलर चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज करके रेडिश ब्राउन कर देते हैं, जबकि अल्केन्स ये काम नहीं कर पाते। सही है, तो यहाँ पे वही लिखा है, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। अल्केन्स जो है वो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स के मुकाबले में, तो जब भी उनके अंदर ब्रोमीन वाटर डाला जाता है तो वो उसको डीकलराइज नहीं कर पाते, यानी उसका कलर चेंज नहीं कर पाते। जबकि अल्कीन्स के अंदर जब ब्रोमीन वाटर डाला जाता है तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, और कलर चेंज करके रेडिश ब्राउन कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले कंपाउंड के बारे में। यहाँ पे हमारे पास इथीन और इथाइन है, जबकि अल्कीन और अल्काइन है। बात एक ही है, अल्कीन और अल्काइन बोले या अल्कीन और अल्काइन की फैमिली में से कोई मेंबर उठा के देते हैं, जैसे इथीन और इथाइन दे दिया। अब आप इसके दरमियान में कैसे फर्क करोगे? अगर आपके पास इथीन है और आपके पास इथाइन है तो आप उसके छोटे छोटे सैंपल्स को सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा लो। अगर उसने सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लिया तो वो अल्काइन है, और अगर उसने सोडियम के साथ में रिएक्शन नहीं किया तो वो अल्कीन है। बहुत आसान अल्फाज में बता दिया। अब होता क्या है, जब अल्कीन को
जब सोडियम के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है यानी सोडियम एसिटेलाइट के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, जबकि अल्काइन को जब सोडियम एसिटेलाइट के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा और एसिटेलाइट्स बनाना शुरू कर देता है। सही है, यानी आम अल्फाज यही है कि देखो यही इसको बता रहे हैं, इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा लिखा हुआ है, अल्कीन को जब रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम के साथ में, सोडियम एसिटेलाइट के साथ में, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि इथाइन को जब रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम एसिटेलाइट के साथ में तो वो क्या करता है और एसिटेलाइट्स बनाता है। और आसान अल्फाज के अंदर क्या हुआ, इथीन सोडियम के साथ में रिएक्ट नहीं करता जबकि इथाइन सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है। अब देखो एक सेकंड, अच्छा भाई देखो अब हमारा तीसरा है, वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन के दरमियान में कैसे फर्क करोगे, तो ये बहुत मुश्किल तरीका है, अब ये तो आपको समझ भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, रट्टा मार लेना। वन ब्यूटीन जो होता है, वन ब्यूटीन को जब आप क्या करते हो, मेरे जहन से निकल गया, हाँ वन ब्यूटीन को जब आप आयोडोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाते हो, यानी आयोडोफॉर्म होता है CHI3, ये क्लोरोफॉर्म की तरह की एक टाइप है, तो वन ब्यूटीन को जब आप उसको आयोडोफॉर्म के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो वो दो अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स बनाता है। पहला कंपाउंड बनाता है प्रोपायोनल डिहाइड, जबकि दूसरा कंपाउंड बनाता है फॉर्मल डिहाइड। जबकि दूसरी तरफ अगर आप टू ब्यूटीन को रिएक्ट करवाते हो आयोडोफॉर्म के साथ में तो वो एक ही कंपाउंड बनाता है, एसिटाइल डिहाइड बनाता है, लेकिन ज्यादा बनाता है, डबल बनाता है, दो मोल्स बनाता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये लिखा हुआ है व्हेन वन ब्यूटीन रिएक्ट्स विद आयोडोफॉर्म इट फॉर्म्स प्रोपायोनल डिहाइड और फॉर्मल डिहाइड, जबकि टू ब्यूटीन को जब रिएक्ट करवाया जाता है आयोडोफॉर्म के साथ में तो क्या बनाता है, टू मोल्स ऑफ एसिटाइल डिहाइड बनाता है। तीसरे पे आते हैं, ये चौथे पे आते हैं, ये सबसे आसान तरीन है, एनहेक्सेन और बेंजीन के दरमियान में कैसे फर्क करोगे। एनहेक्सेन और बेंजीन जो होता है, एनहेक्सेन और बेंजीन, इसमें तो बहुत बड़े बड़े फर्क होते हैं, बहुत लंबे लंबे भंड होते हैं इसके अंदर, मैं बता रहा हूं फर्क। हेक्सेन जो है, हेक्सेन वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका मतलब एलिफेटिक कंपाउंड होता है, और एलिफेटिक कंपाउंड को जब जलाया जाता है तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता, ना उसमें से कोई स्मोक निकलता है, ना कोई सूट निकलता है, कोई धुंध नहीं निकलती, कुछ भी नहीं निकलता उसमें से, ना उसकी अपनी कोई खुशबू होती है। जबकि दूसरी तरफ बेंजीन बिलोंग करता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो एरोमेटिक फैमिली से बिलोंग करता है, जिनकी अपनी बहुत गंदी स्मेल होती है, और जब उसको जलाया जाता है तो उसके अंदर से डिफरेंट कलर के स्मोक निकलते हैं, आमतौर पर ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है। तो यहां पर यही बताया जा रहा है, एनहेक्सेन जो है वो एक एलिफेटिक कंपाउंड है, जब उसको जलाया जाता है तो वो वाइट स्मोक देता है, या विदाउट सूट के, विदाउट स्मोक के, विदाउट धुएं के जलता है। सही है, जबकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जब उसको जलाया जाता है तो वो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है उसके अंदर से, और उसके अंदर से बहुत गंदी किस्म की स्मेल भी निकल रही होती है, एंड अनप्लेजेंट स्मेल कम्स आउट ऑफ इट। पांचवा है अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड और अल्केन के दरमियान के दरमियान का डिस्टिंग्विश रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड और अल्केन्स के दरमियान में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। ये नाम थोड़ा टेस्ट का थोड़ा मुश्किल है, कि इसके अंदर एक टेस्ट होता है बेल स्टेन टेस्ट, तो वो किया जाता है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब अल्काइल हैलाइड है, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसका मतलब वो अल्केन है। अब वो टेस्ट है बहुत आसान, बेल स्टेन टेस्ट है, बहुत आसान है,